उनको हारने का ये है कि केजरीवाल दोबारा जीत के ना आ जाए, दोबारा जीत के ना आ जाए, इसी डर के मारे से ये सब कर रहे हैं। ठीक, जो बात है जैसे चुनाव का या तो डर है फिर बीजेपी को इस हिसाब से कि जैसे इस टाइम पे आके ऐसे बताओ केजरीवाल ने क्या नहीं किया, बीजेपी के कोई 5 काम बता दो या मैं केजरीवाल के 10 काम बताता हूँ। क्या इस गिरफ्तारी की वजह के बाद दिल्ली का जो माहौल है वो कुछ हद तक बदलेगा या यूं कहें कि कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? नहीं बदलेगा, प्रोबेबिलिटी विल गो इन फेवर ऑफ केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर, मैं हूं आपके साथ प्रवेश। इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जो डायरेक्टरेट की जो टीम है उसने 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद से राजधानी में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर यह गिरफ्तारी चुनावों में किस तरीके का फायदा और नुकसान करेगी। आम आदमी पार्टी जो है वो इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है और यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार चलाएंगे, यानी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो रही है तो फिर दिक्कत क्या है। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की जनता के बीच में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की उसको लेकर अब सियासी माहौल दिल्ली का किस तरीके का हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये बाजार का एक इलाका है। क्या नाम है सर आपका? मेरा इकबाल नाम है सर। इकबाल, ये बताइए ये जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, इसके बाद दिल्ली में किस तरीके का माहौल है, इस गिरफ्तारी को कैसे देख रही है दिल्ली? गलत तरीके से देख रही है। गलत तरीके से देख रही है। क्या चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा, ये जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं? जी जी, असर क्यों नहीं पड़ेगा। अब केजरीवाल जी ने कोई दिल्ली में गलत काम तो करा नहीं आज तक, ना कोई दिक्कत है किसी को, दिल्ली वासियों को। मैं तो बीजेपी तो कह रही है शराब घोटाला किया है, इस वजह से ईडी कार्रवाई कर रही है, तो दिक्कत क्या है? बीजेपी तो कुछ भी कहेगी तो उसका कोई मानेगा? बीजेपी तो ये कहती है कि जी मुसलमान हिंदू ये बस चलता रहता हर जगह। दिल्ली की जनता नहीं मानती कि घोटाला हुआ है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कोई परेशानी उनसे। कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के चुनाव, दिल्ली की 7 सीटें अभी बीजेपी के पास है, इस गिरफ्तारी के बाद कुछ माहौल बदलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी, चाहे कुछ भी कहे जाओ कोई। क्या लोकसभा चुनाव पर भी फर्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, चाहे जैसे बीजेपी कह रही है उसमें, मतलब ये जो हो रहा मसला, मगर केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोग इस बाजार में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है आज, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी गिरफ्तारी को? जिसके वैसे उसके लट, बस इतना ही है। मतलब क्या समझा जाए इसका? जिसका जिसके पास लट होता है वो इसी का वैस होता है। मतलब लट के दम पर ये सारी कार्रवाई हो रही है? हो रही है, यही हो रहा है, और कुछ नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव है, इस पर क्या असर पड़ेगा इसका? जिसका लट होगा वही जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। ठीक है, ईवीएम जीतेगा, ईवीएम जीतेगा, ईवीएम जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। जो विपक्ष सवाल उठाता आ रहा है कि भाई ईवीएम में जो है गड़बड़ है, इस वजह से मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, 100%। बस सर कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? ये गलत हुई है। गलत हुई है। अभी चुनाव है लोकसभा के, इससे फर्क पड़ेगा। अगर बाद में करते जब अलग बात थी, मगर ये इन्होंने पहले कर दिया ना, चुनाव से पहले कर दी गिरफ्तारी, तो ये गलत कर दी। गलत कर दी, असर पड़ेगा इसका। असर पड़ेगा। देखो ये नहीं है कि एक ही आदमी खाए जाए। ठीक है ना। ठीक। अब बीजेपी क्या चाहती है कि मैं एक बार पूरी सत्ता हासिल करूं पूरे देश को। ठीक। भाई मैं भी नेता बनूंगा, अगर मुझे पब्लिक वोट दे रही है तो मैं भी तो नेता बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब मैं काम कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, तो अच्छा कर रहा हूँ ना। क्या नाम है सर? मिराज। ये बताइए जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में पता है मुख्यमंत्री को? गिरफ्तारी गलत हुआ है। गलत हुआ जो चुनाव आया, चुनाव की वजह से इन्होंने सोचा ये प्रचार के लिए निकलेगा, तो इसलिए इन्होंने गिरफ्तार कराया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि शराब घोटाला हुआ, घोटाला कुछ नहीं है, ईडी अगर कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में जाके देखो ना आप घोटाला कहाँ से जाते, तो हरियाणा के अंदर है, शराब 12-12, 2-2, 3 बजे तक शराब चल रही है, तो क्या घोटाला है? तो एज अ दिल्ली वोटर आप क्या सोचते हैं कि जो जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उस पर इस गिरफ्तारी का कितना असर पड़ेगा? काफ़ी पड़ेगा। चाहती है बीजेपी कि भाई कि सारी सातों की सारी सीटें हम ले जाएं। वो तो ले जा रही है पिछले 2 टर्म से, वो ले जा रही है, मगर आते हैं सांसद
कौन सा सांसद आया आज तक यहाँ पर? कोई तो नहीं आता काम कराने, सांसद तो कभी नहीं आया यहाँ पर। मीनाक्षी लेखी जी हमारी सांसद थी, कभी नहीं आई, कहाँ काम कराना आई है? अब तो टिकट छोटे छोटे आते हैं, इसलिए काट दिए, तो फिर दोबारा नया ले आएंगे, फिर दूसरा नया ले आएंगे अगली बार। ये तुम जुलमे कराते रहते हैं तो करते रहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? राकेश। राकेश जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जीडी ने गिरफ्तार किया, 2.5 घंटे की पूछताछ चली, इस गिरफ्तारी को एज अ डेली वोटर आप कैसे देखते हैं? आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? गिरफ्तारी गलत है, गलत है। गलत है? कैसे गलत है? केजरीवाल ने खूब हमारे दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। बहुत काम किया है? हाँ जी। ठीक, हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता था पहले। अच्छा, अब पानी 24 घंटे आता है। 24 घंटे पानी आता है? हाँ जी। अब बिजली, बिजली के लिए पूरे 24 घंटे बिजली है। मतलब फायदा दे रहे थे मुख्यमंत्री? हाँ जी, हाँ जी, फुल फायदा। तो क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव में ये जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, इस पर असर पड़ेगा इसका? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा? हाँ जी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है साहब? सर बिल्कुल बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुद्दीन। ये बताइए, जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में पता है? बिल्कुल, अभी अभी पता लगा है, लेकिन बहुत ही गलत हुआ है। अच्छा, बिल्कुल गलत हुआ है। जो बात है, जैसे चुनाव का या तो डर है फिर बीजेपी को, इस हिसाब से कि जैसे इस टाइम पे आ गया, ऐसे बताओ केजरीवाल ने क्या नहीं किया? बीजेपी के कोई 5 काम बता दो, या मैं केजरीवाल के 10 काम बताता हूँ। शिक्षा उसने दी है, बिजली पानी उसने दी है, बस ड्राइविंग उसने दी है, ठीक है, घर घर में बच्चे EWS से दुनिया भर के बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो 1 करोड़पति का बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, झुग्गी वाले बेचारे का गरीब का बच्चा उसमें पढ़ रहा है, वो सारी चीजें से बीजेपी लेना चाहती है, और क्या क्या करोगे? तो क्या माना जाए, ये जो लोकसभा के चुनाव है इसमें इस गिरफ्तारी को लेकर क्या चर्चा रहेगी, कैसा माहौल रहेगा? जी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लोगों को जागरूकता होने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, अभी तक उनके खिलाफ बता दो कोई भी कार्रवाई हुई हो, कोई सबूत मिला हो। मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों के लिए बेचारे खोले हैं, एक MRI गरीब आदमी 5,000 की कहां से कराएगा? एक गरीब आदमी 5,000 की MRI कहां से कराएगा, और वो बेचारा फ्री में करा रहा है। एक सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड 2500 रुपए की है, वो बिल्कुल फ्री हो रही है। तो सारी चीजें, गरीबों का हक छीना जा रहा है, सब छीना जा, ब्लड टेस्ट। मोहल्ला क्लिनिक तो कह रही है दिल्ली की जनता उनके साथ है, तभी तो 2 बार से उनको जिता रही है। किसको? बीजेपी। नहीं, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ ही है जी, बीजेपी का तो मैं ध्यान, जितने खड़े हैं ना, कोई ये कहते हैं बीजेपी अच्छा कर रही है तो बात सही है, बात करो। चलिए कुछ बहन जी कुछ बोल रही है, इनकी बातें ले लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, ये गिरफ्तारी हुई है कैसे देखते हैं इसको? गलत करा है इन्होंने, जो भी करा गलत करा है। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है, मगर उनको इन्होंने डर के मारे उसको कर रहे हैं। आप देखो कांग्रेस का कौन जो सीज करा है, किस चीज का डर है उनको? हारने का ये है कि केजरीवाल दोबारा जीत के ना आ जाए, दोबारा जीत के ना आ जाए, इसी डर के मारे से ये सब कर रहे हैं। ठीक, केजरीवाल ने काम भी किए हैं दिल्ली, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब देखो, इसलिए आप केजरीवाल को कर लिया, अमित सिसोदिया को कर लिया, कांग्रेस का कौन सीज कर दिया, इसी डर के मारे इन लोग कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों में गुस्सा है? बिल्कुल है, गुस्सा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल, सब कुछ कर रहा है दिल्ली के लिए, तो बहुत अच्छा कर रहा है, पंजाब के लिए भी कर रहा है वो, ये करने नहीं दे रहे बीजेपी वाले। अच्छा, बिल्कुल नहीं करने दे रहे। ये जो आने वाले लोकसभा चुनाव है इसमें क्या असर होगा इस गिरफ्तारी का? कोई असर नहीं होगा, हम तो केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल के साथ है? बिल्कुल साथ है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या सोच रही है दिल्ली अब, कैसे मानती है इस गिरफ्तारी को? ठीक हुआ है, गलत हुआ है? गलत हुआ है। गलत हुआ है? क्या गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ, केजरीवाल तो सही सरकार था। सही था? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक हुआ है गलत हुआ है? गलत हुआ। क्या गलत हुआ है? काम अच्छा आदमी कर रहा है, वो पटे वाले रेहड़ी वाले सब उसका साथ देते हैं, तो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, गलत कहाँ से हो रहे? तो अब लोकसभा के चुनाव है, कैसे देखते हैं, क्या केजरीवाल पड़ेगा? केजरीवाल को देंगे हम तो, केजरीवाल को। हाँ, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। कैसे सर? ठीक है सर। महंगाई ठीक ठाक है? महंगाई तो चरम है। चरम है? हाँ। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जीडी ने, कैसे देख रही है दिल्ली इसको? ठीक हुआ गलत? ये तो गलत हुआ। गलत हुआ? गलत हुआ। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स जगह पे है, लेकिन इस टाइम करना नहीं चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति कर रही है बीजेपी, जाति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं? मानते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ठीक हुआ? नहीं, वो तो बीजेपी वाले बोलेंगे ठीक हुआ, आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे ठीक नहीं हुआ, वो तो
तो दिल्ली वोटर क्या सोच रहे? दिल्ली वोटर तो क्या इमोशनल कार्ड खेलेंगे या कोई ऐसी ठीक है कुछ काम वाम किए केजरीवाल ने दिल्ली में? केजरीवाल में तो खैर देखिए पार्टी तो विपक्ष में भी अच्छा होना चाहिए, बिना टक्कर के बगैर काम चलेगा नहीं ऐसे। अब बीजेपी में कौन सा दूध का धुला हुआ है? सारे तो चोर बैठा हुआ है, है? कौन सा है? ठीक है? कौन सा नेता नहीं है? सारी पार्टी भी यही कह रही है, सारे विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। पार्टी में हर आदमी भ्रष्ट है, पार्टी में कोई भी पार्टी है बिना भ्रष्ट के नहीं, सारे में भ्रष्ट है, बड़े से लेकर छोटे पोस्ट तक ना सब भ्रष्ट है। लेकिन ये विरोधी कहते हैं कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उसमें चला जाए वो सारे तो हो जाते हैं। और क्या, केजरीवाल चले जाए बिल्कुल क्लीन चिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, सेहत ठीक है? क्या नाम है आपका? सुहास। सुहास जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, दिल्ली वाले कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को, ठीक हुआ गलत हुआ? गलत हुआ बॉस, जो पॉलिटिक्स में आते हैं सब भ्रष्ट है, कोई साफ सुथरा तो है नहीं, कोई गंगा जल से नहाया हुआ तो है नहीं, सब भ्रष्ट है। तो क्या मानते हैं जो अब लोकसभा के चुनाव है, इस पर इस गिरफ्तारी के बाद कुछ असर होगा? नहीं, असर तो कुछ होगा नहीं, अब तो नेक्स्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है, देखते हैं क्या होता है फैसला। ठीक है, अगर एज अ डेली वोटर आप क्या मानते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है गलत हुई है? क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या इस गिरफ्तारी की वजह के बाद दिल्ली का जो माहौल है वो कुछ हद तक बदलेगा या यूं कहें कि कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? नहीं बदलेगा, प्रोबेबिलिटी विल गो इन फेवर ऑफ केजरीवाल, विक्टिम कार्ड तो प्ले करेगा ही करेगा। तो जो आम जनता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया ईडी ने आज, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को, ठीक हुआ गलत हुआ? मैंने देखा नहीं गिरफ्तार हुए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ गिरफ्तार कर लिया, ढाई घंटे ईडी ने पूछताछ की थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया उन्हीं के आवास पे। सही हुआ गलत हुआ? देखो जांच पड़ताल होती नहीं, वैसे गलत ही हुआ है। गलत हुआ? बीजेपी तो कह रही है भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई केजरीवाल, तो दिक्कत क्या है केजरीवाल? केजरीवाल मुझे नहीं लगता भ्रष्टाचार में है। अच्छा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। चलो कर लो। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, ठीक हुआ गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। बहुत गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। अच्छा क्या बड़ा दुख हो रहा है? दुख होगा ना, दुख तो होंगे। ये देखो दिल्ली के सीएम है, ये नहीं कि नया सीएम आया है, ठीक, ये 10 साल से सीएम है अभी। तो हमें ये कहना है कि जो काम कर रहा है ना दिल्ली में और पंजाब में जो काम हो रहा है बिल्कुल सही काम हो रहा है। अच्छा, तो इसमें हमें कहना है कि आम आदमी पार्टी तो यही तो कह रही है, वो कह रही है कि हमारे कामों से डर रहे हैं मोदी। काम से तो डर रहा है केजरीवाल, जो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली में, पानी में, आपको दिल्ली में जगह कहीं भी सड़क जितना सड़क है सब ठीक कर दिया है, पहले कितना बुरा हाल था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, अभी आम चुनाव आने वाले हैं 2024 के, प्रधानमंत्री चुनना है देश को, दिल्ली की 7 सीटों पर भी चुनाव है, गिरफ्तार किया है उनको, ये पहले से इनका प्लानिंग था, ये प्लानिंग करके ही तो किया है कि इलेक्शन जब आएंगे, जब इनका डेट वेट फैसला होंगे उससे पहले इनको गिरफ्तार करेंगे, इसके साथ में जो लोग है अभी उनको भी प्लानिंग कर रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए आने वाला दिन में, अभी 2-4 दिन में देखना दोबारा फिर इनके साथ। तो इन चुनावों में दिल्ली क्या करने वाली है फिर? दिल्ली में तो देखो ये ही जाएंगे, कौन केजरीवाल के जितना, केजरीवाल हाँ इनका जितना कैंडिडेट देंगे ना। ठीक है चलिए, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है आपके, सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ। गलत हुआ क्यों, ठीक काम कर रहे थे? क्यों, वो अच्छा था, क्यों, जो ऑनेस्ट होता है ना उसको तो जनगण सरकार टिकने नहीं देते ना। अच्छा, वो अच्छा इंसान ही था। बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी तो बोलेगा ही, उसको तो राज चल रहा है ना सब कुछ, उसी का ऊपर सब कुछ चल रहा है ना। ठीक ठीक ठीक, वो तो सबको खरीद के रखा है ना, सारे पुलिस से आरम्भ करके सारे दुनिया। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसका आम चुनाव पे फर्क पड़ेगा, ये जो अभी आने वाले हैं? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा। 2 बार से तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है दिल्ली में। 2 बार तो नहीं किया अभी, लोकसभा की जो 7 सीटें हैं, पिछली बार भी 7 गई थी, उससे पहले भी 7 जीत गई थी, पता नहीं कितना हुआ नहीं हुआ वो तो पता नहीं, अभी केजरीवाल जाने के बाद तो बहुत फर्क पड़ेगा। पड़ेगा फर्क बहुत। मैं बताता हूँ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक हुआ गलत हुआ? हमारे हिसाब से तो नहीं बढ़िया हुआ, गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 के, इसमें कुछ असर होगा इस गिरफ्तारी का? अब
वही राजनीति क्या हो रहा है, मोदी का ही तो सब कुछ चल रहा है ना, तो फिर उन्हीं का तो चलेगा, हमारा क्या चलेगा, आम जनता का नहीं तो अभी 24 वाले चुनाव में जनता किसकी चलाएगी? फिलहाल तो जिसको हम देखेंगे तो उसी का चलाएंगे ना, मोदी को तो नहीं चलाएंगे कुछ भी करेंगे। कह रहे मोदी को तो नहीं चलाएंगे, नहीं चलाना चाहिए मोदी को, नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। ये जो गिरफ्तारी हुई है ठीक हुई है गलत हुई है? गलत हुई है, गलत हुई है, गलत हुई है, ठीक है।